Hello, my dear friends. Well, it's me, Shalan Mishra, and you are watching IT Adda. So, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, माई डियर फ्रेंड्स. बेसिकली ये वीडियो डेडिकेटेड है ऑल विंडोज यूजर्स के लिए. बेसिकली यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने यूजर का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, सपोज दैट आपका यूजर पासवर्ड कहीं पे डिस्क्लोज हो गया है और कोई भी आपके पासवर्ड को जानता है, एंड यू वॉन्ट टू चेंज योर पासवर्ड बेसिकली. सो नो वन कैन इजिली एक्सेस योर अकाउंट. यदि ये मोटिव है तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, और पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको विंडोज में कुछ ना कुछ करना होता है. तो वो क्या करना है, कैसे करना है कि आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड को चेंज कर सकें. तो बेसिकली मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा माई डियर फ्रेंड्स कि आप अपने कंप्यूटर में ये पासवर्ड बदलने वाले हो तो ग्राफिक मोड और कमांड मोड दोनों ही, बेसिकली GUI एंड CUI दोनों ही मोड में मैं बात करूंगा कि कैसे आप कमांड के थ्रू बदल सकते हैं पासवर्ड और कैसे आप ग्राफिक के थ्रू बदल सकते हैं. तो ग्राफिक के थ्रू बदलना है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रन में जाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टाइप lusrmgr.msc. आप देख सकते हैं यहाँ पे कमांड टाइप ऑलरेडी, दैट इज lusrmgr.msc. जैसे आप ये कमांड यूटिलिटी टाइप करके हिट करेंगे, आपके सामने एक लोकल यूजर एंड कंप्यूटर्स ग्रुप्स का विजार्ड ओपन हो जाता है. यहाँ पे आपको सिंपली यूजर्स पे क्लिक करना होता है. यूजर्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो राइट पैनल पे आपके सामने जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे यूजर्स डिस्प्ले कर जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो यूजर है, चूंकि ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं ये सर्वर 2K19 है. तो सर्वर में बेसिकली जो डिफॉल्ट यूजर अकाउंट आता है, जो पावरफुल यूजर अकाउंट होता है, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर. आप विंडोज किसी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जैसे विंडोज 7, 10, 11, तो इनमें आप अपने किसी भी नेम का यूजर बना सकते हैं. बेसिकली इसमें भी बना सकते हैं, बट जो डिफॉल्ट यूजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है. तो यहाँ पे मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर को टारगेट करने वाला हूँ. और आप यहाँ कुछ और ऑप्शन देख सकते हैं माई डियर फ्रेंड्स. जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज आइकन करें या फिर डिटेल्स में ही रहने दे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर का एरो, डाउन एरो आ रहा है. ये ब्लैक कलर का डाउन एरो बताता है कि आपका यूजर तो है बट वो यूजर डिसेबल है, जबकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर पे कोई ऐसा एरो नहीं आ रहा, मतलब यूजर प्रॉपरली एक्टिव है, ये लॉग इन है और इससे ही काम चल रहा है. तो यूजर पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, सिंपली आपके सामने एक सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है. जैसे सेट पासवर्ड का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ आ रहा है ओवरव्यू, आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे नॉलेज इंक्रीज होगी बेसिकली. तो ये पासवर्ड बदलने से संबंधित या रीसेट से संबंधित ही कुछ चीजें लिखी गई हैं, इसको आप पढ़ लेंगे तो बेस्ट रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीड जैसे करेंगे आपके सामने एक न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का विजार्ड आ जाता है. आप यहाँ पे अपना पासवर्ड कंफर्म कर सकते हैं, नया पासवर्ड असाइन कर सकते हैं और पासवर्ड को कंफर्म कर सकते हैं, और देन जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा. यदि आपने कोई पासवर्ड यहाँ फिल नहीं किया फिर भी सीधे ओके कर दिया तो पासवर्ड ब्लैंक हो जाएगा. आप ध्यान रहे आपका पासवर्ड लग जाएगा, इन द सेंस जो प्रीवियस पासवर्ड रहा होगा वो हट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ओके प्रेस करेंगे तो बेसिकली ये कुछ फॉलोइंग एरर्स आ रही है, तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करना ही होगा. मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, कुछ भी, वॉट एवर. आप यहाँ पे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर डेस्कटॉप टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड देंगे. अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड का मतलब है कि कैरेक्टर भी होने चाहिए, अपर केस लोअर केस भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए. इन सबके कंबाइंड फॉर्म से आप एक पासवर्ड तैयार करेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड. तो बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इजिली जज नहीं किया जा सकता, इसलिए आप अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड में से चूज करें. जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे पासवर्ड हैज बीन सेट, मतलब ये मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है. मैं अपने प्रीवियस पासवर्ड को सेट कर लेता हूं क्योंकि ये पासवर्ड मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लगा दिया है, तो बेसिकली इसको मैं वापस रीसेट कर देता हूं जो मेरा प्रीवियस पासवर्ड रहा होगा. ठीक है, तो ये मेरा पासवर्ड रीसेट हो जाता है और मैं अपने पुराने पासवर्ड. इस तरीके से आप ग्राफिक मोड कमांड, बेसिकली ग्राफिक मोड यूटिलिटी को यूज करते हुए पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं. यदि आप अपने कंप्यूटर में कमांड मोड यूटिलिटी को, यू नो, कमांड यूटिलिटी के थ्रू पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो पॉसिबिलिटी कैसे है, तो सबसे पहले आप सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे CMD सर्च करेंगे. ध्यान रहे आपको कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में लॉन्च करना है. रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉन्च करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे. अब यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, एक छोटी सी कमांड है. सबसे पहले आप यहाँ पे यूज करेंगे net1 space user. जैसे नेट यूजर लिख के हिट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने वो सारे यूजर डिस्प्ले कर जाएंगे जो भी आपके कंप्यूटर में होंगे. तो मेरे केस में सबसे पहला यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा एक डिफॉल्ट अकाउंट है, तीसरा गेस्ट यूजर है और ये चौथा एक और यूजर है. तो ये सारे
हमारे कंप्यूटर में बेसिकली रनिंग यूजर्स होंगे। आपके केस में यहाँ पे अलग आ सकता है, जो भी आपने यूजर बनाया होगा उस लेवल का यहाँ यूजर डिस्प्ले कर जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड चेंज कैसे करना है, तो यहाँ पे आप टारगेट यूजर लेने, जो यूजर चल रहा है, ध्यान रहे ये जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब है कि यही एडमिनिस्ट्रेटर मेरे इस कंप्यूटर में रनिंग है। आप किसी का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बाय द वे अभी फिलहाल में जो रनिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, मींस रनिंग यूजर है, उसी को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से आपको कमांड टाइप करनी है नेट वन स्पेस यूएसईआर वन स्पेस जिसका पासवर्ड चेंज करना है उस यूजर का नेम। तो मेरे केस में मेरा है एडमिनिस्ट्रेटर ADMINISTRATOR, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है। वन स्पेस आप एक एट्रीब्यूट सिंबल लगाएंगे स्टार, जैसे ये आप कमांड टाइप करेंगे, कमांड टाइप करके आप जैसे हिट प्रेस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, नीचे आपके एक ऑप्शन आ जाता है टाइप अ पासवर्ड फॉर द यूजर। आप अपने इस यूजर के लिए पासवर्ड टाइप कर सकते हैं, तो मैं एक पासवर्ड अमूमन टाइप कर दे रहा हूं। बेसिकली आपको यहाँ पे पासवर्ड शो नहीं होगा, पासवर्ड लिखा गया है बट शो नहीं होगा, ध्यान रहे आपके केस में भी यही होने वाला है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे कह रहा रीटाइप करें, मतलब जो पासवर्ड अभी आपने दिया था उसको कंफर्म करें, तो कंफर्म जैसे करके एंटर प्रेस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब जो मेरा प्रीवियस पासवर्ड था वो चेंज हो गया। यदि आपके कंप्यूटर में प्रीवियस पासवर्ड कोई नहीं है तो वो लग जाएगा, न्यू पासवर्ड हो जाएगा और आप पासवर्ड को यहां से हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स कमांड प्रॉम्प्ट यूटिलिटी को यूज करते हुए आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या आप ग्राफिक यूटिलिटी को यूज करते हुए अपने कंप्यूटर में रनिंग यूजर्स या किसी भी डिफरेंट यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आई होप सो आपको सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया माय डियर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।